ओके हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज उज्ज्वल सिंह और आप सबका एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं S20 Fe। मैं कुछ दिन पहले अभी वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी इसका 4 महीने का रिव्यू। आज मैं बात करूँगा कि आपको जो आपकी रिटेल यूनिट है उसमें क्या क्या मिलने वाला है जिसने भी परचेस किया है, और आपको आपके फ़ोन में क्या चीज़ें अच्छी लगने वाली हूँ, क्या चीज़ें अच्छी नहीं लगने वाली, वो भी सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। और आपका अभी भी माइंडसेट अगर नहीं है जिसने परचेस नहीं किया है तो आप अभी ये वीडियो भी देख सकते हो, जिससे कि आप फुल्ली डिसाइड कर पाओगे कि आपको ये फ़ोन लेना चाहिए कि नहीं लेना। और आज की डेट में भी आप ये डील ग्रैब कर सकते हो, क्योंकि अभी भी 37,000 के आसपास ये प्राइस दिखा रहा है अमेज़ॉन पे, और वहाँ पे आपको 1500 का ऑफ अभी दूसरी बैंक से मिल पा रहा है। ओके, सो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ अगर आप पहली बार आए हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा वीडियो और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरा चैनल। ओके, तो आप जैसे देख पा रहे हो अब मेरा रिटेल यूनिट, ये मैंने सैमसंग से परचेस किया था, अमेज़ोन की साइट से नहीं किया था, ठीक है। तो इसमें सारी क्वान्टिटीज़ लिखी हैं और इस पर रिटेल यूनिट का प्राइस लिखा है 74,999। ओके, और इस तरह से कुछ डिब्बा आपको मिलने वाला है और डिब्बे पे सारी चीज़ें होंगी, आपका जो IMEI नंबर होगा वो लिखा होगा, और उस वो किसका कितना वर्ज़न है, 8GB 128GB वाला, जो उसका कलर है क्लाउड नेवी, और के क्या चीज़ें आपको डिब्बे के अंदर मिलने वाली वो सारी चीज़ें इस पर लिखी हुई हैं, ठीक। तो जल्दी से हम अपनी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं फिर से। तो ये कुछ वारंटी कार्ड और स्टार्टअप गाइड आपको मिल जाएगा, और ये रीजनल लॉक गाइड है जिसमें आपको इंडियन सिम ही लगा के इसको स्टार्ट करना होगा मोबाइल को। अगर आपके पास कोई बाहर का सिम है तो आप इसको स्टार्ट नहीं कर पाओगे, आपको सर्विस सेंटर से बात करनी पड़ेगी। और स्टार्टअप गाइड में आपको सार वैल्यू भी मिल जाएगी इस मोबाइल की, तो रेडिएशंस कितना है, आपका गाइडलाइंस के अंदर है कि नहीं है, वो आपको यहाँ पर डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। तो हमने अपने पुराने मोबाइल को दुल्हन की तरह सजा दिया और आपको कुछ इस तरह से मोबाइल मिलेगा, पीछे IMEI का स्टिकर चिपके हुए। ओके, और फिर से अनबॉक्स करने मज़ा आ रहा है। ओके, नीचे से हमारे निकलेंगे 15 वाट के चार्जर भाई साहब, जो कि काफ़ी टाइम लगाते हैं अपना मोबाइल चार्ज करने में, बट हाँ ठीक है। तो यहाँ पर आप रेटिंग देख सकते हो मोबाइल की, और साथ में आपको USB केबल बहन जी मिल जाएंगी, ठीक। तो आप इन दोनों की मदद से अपना मोबाइल चार्ज कर पाओगे। तो यही है इस रिटेल यूनिट में, इससे ज़्यादा आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। मोबाइल का कवर भी नहीं मिलेगा, पहले मिलता था बट इन्होंने अभी कॉस्ट कटिंग कर दी, तो मोबाइल का कवर भी इस डिब्बे में आपको नहीं मिलने वाला है। ओके, नाउ अपनी यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस तरह से क्लाउड नेवी आपको फ़ोन मिलने वाला है, जो कि मैट फिनिश में आता है, बट मैंने जो है स्किन लगाया हुआ है तो इसलिए आपको एक ग्लॉसी सा शाइनिंग दिख रहा है। ओके, और पीछे स्टिकर मिलेगा, स्टिकर निकाल देते हैं, काफ़ी बचा के रखा था फिर से अनबॉक्सिंग करने के लिए, ठीक है। तो इसको यहाँ चिपका देते हैं ना। और ये सब चीज़ें साइड करने के बाद में आप अपना फ़ोन देख सकते हो, इसमें आपको साइड में पावर बटन और वॉल्यूम बटन एक साथ में मिल जाता है, और ऊपर की साइड में सिम इजेक्टर टूल मिल जाता है, और एक माइक्रोफोन मिल जाएगा, नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन, और दूसरी साइड में आपको कुछ नहीं मिलेगा, और नीचे आपको ग्रिल मिल जाएगी स्पीकर का, और USB टाइप सी पोर्ट मिल जाएगा, और पीछे की तरफ आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है। तो इस तरह से कुछ कॉन्फ़िगरेशन है आपके मोबाइल की, और जल्दी से हम अपना फ़ोन बूट कर लेते हैं जिससे कि आप अपना बूट एनिमेशन देख पाओगे। ओके, तो स्क्रीन खुल जाएगा जैसे ही आप खोलोगे, तो मैं तो ऑलरेडी सेटअप हो रखा है मेरा फ़ोन, मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। तो आपको फर्स्ट इनिशियल स्क्रीन अगर देखना है कैसे सेटअप करना है, तो ऊपर एक आपको वीडियो मिल जाएगा आई बटन में, आप वो ज़रूर देख लेना, वरना आप जितने भी एड्स आते हैं ना सैमसंग से उससे परेशान हो जाओगे, ठीक है। तो ये वीडियो ज़रूर देख लेना ऊपर, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि इसको कैसे सेटअप करना है, फ़र्स्ट सेटअप कैसे करना है। अगर आप चाहोगे कि फिर से बनानी है वीडियो, तो मैं फिर से भी बना सकता हूँ, ठीक है। तो थोड़ी मेहनत मुझे ज़्यादा करनी पड़ेगी। ओके, तो मैं ऑलरेडी सेटअप किया है, मैं ऑलरेडी यहाँ फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ। तो अब हम बात करने वाले हैं कि क्या आप चीज़ें इस मोबाइल में आपको अच्छी लगने वाली हैं और क्या चीज़ें अच्छी नहीं लगने वाली हैं, ठीक। तो सीधी सी बात है कि फ़ोन काफ़ी ब्लेजिंग फास्ट है, ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं इस मोबाइल की परफॉर्मेंस में। और लाइक लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फिंगरप्रिंट थोड़ा स्लो है,
तो स्लो बेसिकली क्या है कि अगर आप एमोलेड स्क्रीन पे डायरेक्टली जब आपका फ़ोन बंद है तो उस पर टच करोगे तो थोड़ी देर आपको ज़्यादा लगाना पड़ेगा, और अगर स्क्रीन ऑलरेडी ओपन है तो उस पर आपको जो सरफेस एरिया अंगूठेगा वो अच्छे से टच करना पड़ेगा, तब वो ठीक है बहुत तेज़ी से खुलेगा। बट अगर स्क्रीन बंद है उस टाइम पे लगाओगे तो आपको थोड़ी देर ज़्यादा लगा के रखना पड़ेगा। तो इतनी सी प्रॉब्लम है इसमें बस, बाकी ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं। ओके, और अगर हम बात करेंगे आगे, फ़ोन का वेट बैलेंस काफ़ी अच्छा है, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इधर की साइड से भारी इधर की साइड से हल्का है, तो बिल्कुल अच्छे से बैलेंस किया है पूरे फ़ोन में थ्रू आउट दी लेंथ। और फ़ोन पर कवर ज़रूर लगा लेना, और फ़ोन का कवर अगर आपको चाहिए तो सिलिकन केस मैंने एक लिया था पीछे, 220 रुपए के आसपास का था, तो आपको भी मिल जाएगा साइट पे, आर्टिस्टिक का साइट था, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो पे जा सकते हो या फिर S20 FE की प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा कवर है, सॉफ्ट कवर है, और फ़ोन की बॉडी को भी हार्म नहीं पहुँचाएगा और काफ़ी अच्छा प्रोटेक्ट भी करेगा। ओके, तो मेरे को 100 मोड काफ़ी अच्छा लगता है इस फ़ोन में। आपका जैसे स्क्रीन साइज़ बढ़ा है, 6.5 इंच का स्क्रीन है और आप फुल एरिया कवर नहीं कर पाते हो अपने हाथ से, तो आप जो है 100 मोड इसमें काफ़ी इजीली यूज़ कर सकते हो। ओके, एक फ़ीचर काफ़ी अच्छा लगा मुझे इस मोबाइल का कि आप अगर जैसे दो तरह से नेविगेट कर सकते हो अपना मोबाइल, नेविगेशन जेस्टर्स के थ्रू कर सकते हो या फिर जो बटन्स आते हैं ना आप जैसे ऊपर देख रहे हो, तो बटन्स में सेट कर देता हूँ, तो बटन्स अगर आप सेट कर दोगे फ़ोन में तो नीचे बटन्स आ जाएंगे, एक बैक का बटन, एक होम पेज का और एक रिसेंट ऐप का। तो इसके साथ में भी आप जो है जेस्टर्स यूज़ कर सकते हो, ठीक। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, तो ये फ़ीचर आप गुड लॉक के जो 100 मोड का एक मॉड्यूल आता है वहाँ से आप अनेबल कर सकते हो। ओके, सो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, 100 मोड के अलावा यहाँ पे वन हैंड ऑपरेशन है, तो गुड लॉक आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिएगा जब भी आपके पास मोबाइल आता है, ठीक। तो वहाँ से आप ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर पाओगे और इसमें आप काफ़ी सारे चीज़ें कस्टमाइज़ कर सकते हो कि डायगनल आपको कैसे क्या करना है, डायगनली डाउन में करना है तो स्ट्रेट में करना है, और ये जो एरिया है जेस्चर का वो आपको कितना लेंथ में चाहिए, कितना विड्थ में चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें करने वाली। तो आप अपने हिसाब से इवन एप्लीकेशन भी डिसाइड कर सकते हो कि ये जेस्चर अगर आप यूज़ करते हो तो कोई एप्लीकेशन अगर ओपन करना है कि नहीं करना है। तो मैं गूगल फीड को इसी से सेट करके रखा हूँ, तो मैं यहाँ से डायरेक्टली गूगल फीड जो है एक्सेस कर पाता हूँ। ओके, नेक्स्ट है कि एमोलेड स्क्रीन में जो क्लॉक आती है उस पर डबल टैप क्लिक करोगे तो कुछ ऑप्शन आ जाते हैं कि आप यहाँ से एमोलेड स्क्रीन का जो ब्राइटनेस है वो डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हो, आपको अंदर जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और डबल टैप करके स्वाइप करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे विजेट्स के कि आप अपना म्यूज़िक कंट्रोल कर पाओगे, वेदर की इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी, अलार्म में क्या है आपका, आज का शेड्यूल क्या है, वो सारी चीज़ें आपको स्क्रीन बिना ओपन किए आपको मिल जाएंगी, ठीक। तो ये काफ़ी हैंडी फीचर है और काफ़ी फिजिबल है, काफ़ी काम आता है। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे रियल वर्ल्ड बैटरी परफॉर्मेंस की। तो रियल वर्ल्ड में बैटरी परफॉर्मेंस आप मेरा 3 दिन का शेड्यूल देख पा रहे हो यहाँ पे, मैंने 0 to 100% यूज़ नहीं किया, इसको 10 to 100% आप बोल सकते हो। तो अगर आप इसकी बात करोगे तो फुल डे बैटरी आपको बड़ी आसानी से दे देता है, फुल डे में अगर आप हैवी टास्कर हो तब भी आपको फुल डे बैटरी देगा, अगर आप सिर्फ गेम खेलते हो ठीक है तो उसमें आपको फुल डे तो मतलब ही नहीं बनता, स्क्रीन टाइम आप देख लेना कितना आता है। बट फुल डे की अगर आप बात करोगे, एक पर्टिकुलर एक ऐसा पर्सन है जो सुबह को ऑफिस जाता है शाम को घर आ जाता है और उसके बाद में थोड़ा बहुत स्क्रॉल करता है, वीडियो वीडियो देखता है इधर उधर, तो इस तरह अगर आपका कुछ यूज़ है तो शाम को सोते हुए रात को 10 बजे 11 बजे अगर आप सो गए ठीक है, 12 बजे भी सो गए तो आपको 10% तक बैटरी मिल जाएगी और आप स्क्रीन ऑन टाइम देख पा रहे हो, जैसे कि आज का मेरा 2 घंटा 38 मिनट और तब भी बैटरी इस मोबाइल में करीब 40% के आसपास लेफ्ट है। और जनरली आप टास्क देखोगे तो सारी ऐसी एप्लीकेशन है जो एक जनरल यूज़ आदमी करता है, गैलरी एप्लीकेशन हो गया, मेल्स हो गया, मेल चेकिंग हो गया, सोशल मीडिया की एप्लीकेशन चेक करने का हो गया, व्हाट्सएप हो गया, तो इस तरह का एक रियल यूज़ है इस मोबाइल में आप देख पा रहे हो। और कॉलिंग और फ़ोन में जो कैमरा है उसका यूज़ काफ़ी होता है मेरे मोबाइल में, तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो टोटल आपको 5 घंटे तो स्क्रीन टाइम बड़ी आसानी से मिल जाएगा। ओके, और पूरे दिन का आपका काम चल जाएगा, आपको ये टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी कि इसकी चार्जिंग स्लो है, 15 वाट की चार्जिंग है तो ये आपका जो है फ़ोन बहुत देर में चार्ज करता है। बट आपको ऐसा मिल रहा है कि आपको पूरा दिन बड़ी इजीली आपको निकाल देगा, आपको चार्जर की कमी महसूस होने नहीं देगा। दूसरी बात जो मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है इसकी मोबाइल में कि एनहेंस प्रोसेसिंग का एक ऑप्शन अलग से दिया हुआ है,
अगर आप कोई हैवी टास्क कर रहे हो जिसमें आपको पावर की रिक्वायरमेंट है तो आप उसको अनेबल कर सकते हो, और फास्ट चार्जिंग का एक ऑप्शन है इसमें, उसको अनेबल डिसेबल कर सकते हो। तो अगर आपको डिसेबल कर दे तो 10 वॉट के हिसाब से चार्ज करता है, और फास्ट चार्जिंग अनेबल कर दे तो जैसा आपका चार्जर होगा उस हिसाब से चार्जिंग स्पीड अपने आप एडजस्ट कर लेगा। ठीक, तो ये दो चीज़ें कर सकते हो। तो अगर आपको बैटरी से ज़्यादा प्यार है, आपको लगता है कि भाई हमको जो है फास्ट चार्जिंग की रिक्वायरमेंट भी नहीं है और आपकी बैटरी ज़्यादा चलनी चाहिए, तो आप उसको डिसेबल करके रखना हमेशा फास्ट चार्जिंग को। और इसमें पावर सेविंग का एक अलग से ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आपको 5 ऑप्शन और मिल जाते हैं साथ में। जैसे बाकी के मोबाइल होते हैं उसमें सिर्फ अनेबल डिसेबल का ऑप्शन होता है, तो उसमें मोबाइल क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा आपको नहीं पता, बट इस मोबाइल में आपको बिल्कुल पता है कि आप क्या करना चाहते हो। ठीक, तो अपने हिसाब से आप ये सारे ऑप्शन अनेबल डिसेबल कर सकते हो, वही चीज़ें पावर सेविंग मोड में काम करेंगे। ऊपर आप जैसे कि देख पा रहे हो कि एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट भी दिखा रहा है जैसे कि आप ऑप्शन अनेबल डिसेबल कर रहे हो, तो ये ऑप्शन मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। तो जैसे कि मैं अगर करता हूँ तो CPU थ्रॉटल नहीं करता हूँ या एमोलेड डिस्प्ले सिर्फ ऑफ करता हूँ, तो इस तरह से मैं चीज़ें अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो पावर सेविंग मोड में। नेक्स्ट है जो एक काफ़ी यूज़फुल फीचर है, वो है सिक्योर फोल्डर। सिक्योर फोल्डर एक ऐसा ऑप्शन है सैमसंग के मोबाइल्स में कि आप उसमें अपनी कुछ एप्लीकेशन जो हैं जो आप बाहर नहीं दिखाना चाहते हो तो वो आप उसके अंदर सेव करके रख सकते हो। ठीक, तो जैसे कि जितनी भी बैंकिंग एप्लीकेशंस होती हैं वो बैंकिंग एप्लीकेशन आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो, जिससे कि आपको ये एप्लीकेशन बाहर नहीं मिलेगी और किसी पर्टिकुलर बंदे के पास में आप वो अननेसेसरी यूज़ भी नहीं कर पाएगा। और इसका आप पासवर्ड अलग से सेट कर सकते हो, जो आपके फ़ोन का अनलॉकिंग पासवर्ड होगा उससे ये नहीं खुलेगा। ठीक, तो आप अपने हिसाब से उसको चेंज करके रख सकते हो। ठीक, तो इस तरह की चीज़ें इसमें काफ़ी यूज़फुल हैं। तो और भी काफ़ी सारे छोटे छोटे फीचर सिक्योर फोल्डर में मिल जाते हैं आपको। आपका सिक्योर फोल्डर कब लॉक करना है, कितनी देर में लॉक करना है, उसकी टाइमिंग आप सेट कर सकते हो अपने हिसाब से, और आपको किस किस एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन ऑन या ऑफ करना है जो कि बाहर आपको कंटेंट उसका दिखाई ना दे, उसको भी आप हाइड और अनहाइड कर सकते हो। और सबसे बड़ा फीचर इस मोबाइल में जो मेरे को लगता है कि आप उज्जवल सिंह का चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, तो भाई अगर जिसको वीडियो पसंद आ रही है तो नीचे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, सबसे बड़ा फीचर यह है इस मोबाइल का कि अचानक से अगर कभी बारिश आ जाती है और आप मार्केट में किसी ऐसे प्लेस पे हो कि आपके पास कुछ नहीं है, तो आपको अपना फ़ोन छुपाने की ज़रूरत नहीं है। तो जनरली लोगों के अंदर ये होता है कि दुकान से या किसी शॉप से पॉलीथीन रैप लेते हैं और उसमें मोबाइल रखते हैं, तो ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत आपको बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ओके, सबसे बड़ी अच्छी चीज़ तो ये है कि इस प्राइस रेंज में आपको गुड लॉक का सपोर्ट मिल जाता है, वरना जो फ्लैगशिप डिवाइसेज हैं इसकी प्रीमियम डिवाइसेज है उसी में आपको ये सपोर्ट मिलता है सैमसंग की। तो ये यहाँ से आप अपना पूरा मोबाइल मैक्सिमम चीज़ें कस्टमाइज कर सकते हो, क्योंकि मोबाइल में इटसेल्फ ये सब कस्टमाइजेशन नहीं आता है, तो इस एप्लीकेशन के थ्रू आप बहुत सारी चीज़ें कस्टमाइज़ कर सकते हो। ठीक, तो इसके लिए अगर सेपरेट वीडियो आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर देना, तो मैं एक सेपरेट वीडियो फुल ट्यूटोरियल बना दूंगा कि आप गुड लॉक से क्या क्या चीज़ें कर सकते हो अपने मोबाइल में। ठीक है, तो नेक्स्ट फीचर की हम बात कर लेते हैं। इसमें आपको मोशन एंड जेस्चर्स का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आप लिफ्ट टू वेक, डबल टैप टू टर्न ऑन स्क्रीन, डबल टैप टू टर्न ऑफ स्क्रीन, कीप स्क्रीन ऑन वाइल व्यूइंग, मतलब आप कंटिन्यूसली अगर आप फ़ोन यूज़ करते हो तो आपको बार बार स्क्रीन को ऑन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये कंटिन्यूसली आपको देखता रहेगा प्रॉक्सिमिटी सेंसर की मदद से। ओके, और म्यूट विद जेस्चर्स, तो इस तरह की कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। और पाम टू स्वाइप, मीन आप थ्री डॉट्स थ्री फिंगर्स टू स्वाइप का ऑप्शन मिलता है जनरली फ़ोन में, तो यहाँ पे आप अपने मोबाइल की पाम से आप स्वाइप कर सकते हो, मतलब हाथ की पाम से स्वाइप कर सकते हो। और ठीक है, और इनिशियली आपको प्रॉब्लम आने वाली है इसमें यूज़ करने में, क्योंकि मैं भी नहीं कर पाया था, तो आपको इसके लिए प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ठीक, तभी आप बहुत अच्छे से स्क्रीनशॉट ले पाओगे। और इसमें अगर आप महारत हासिल नहीं कर पाते हो तो भाई आप जो है कॉम्बिनेशन की से इजीली स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो कि है वॉल्यूम डाउन प्लस पावर बटन। ओके, तो लास्ट वीडियो में भी मैंने सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में इसका बताया था कि आपको सैमसंग का ब्लू क्लियर कट है कि 3 साल की आपको मेजर अपडेट प्रोवाइड कराएगा एंड्रॉयड की, और 4 साल की आपको सिक्योरिटी पैच की अपडेट कराएगी। तो आपके लिए 4 साल तक तो ये बिल्कुल फ्यूचर प्रूफ वाला प्लानिंग है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। आपको ये नहीं है कि आपके मोबाइल में अपडेट नहीं आ रही है, आपका मोबाइल आउटडेटेड होने वाला है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम इस मोबाइल के साथ अभी भी नहीं है। सो एक चीज़ वो मेरे को बहुत बुरी लगती है सैमसंग के फ़ोन की इस मोबाइल में, बाकी सब में भी ऐसे ही होता है, बेसिकली गैलेक्सी स्टोर में अगर आप जब कभी ओपन करोगे तो एक मार्केटिंग का पॉपअप दे देगा। ठीक, कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे वहाँ से तो मार्केटिंग का पॉपअप दे देगा, थीम स्टोर से थीम डाउनलोड करोगे तो मार्केटिंग का पॉपअप दे देगा। मार्केटिंग मीन्स मार्केटिंग ऑप्शंस अनेबल करने का। ओके, तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो,
तो किसी भी टाइम पे ये ऑप्शन आपके सामने आ जाता है, और आप अगर गलती से एग्री कर दिए तो फिर आपको जाके उसको डिसेबल करना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अनोइंग लगती है मेरे को। ठीक है, तो भाई जब हमको नहीं चाहिए, हमने एक बार डिसेबल कर दिया, तो आप बार बार क्यों उंगली कर रहे हो, है ना? सीधी सी बात है। तो सैमसंग को ये चीज़ अपनी सही करनी चाहिए। नेक्स्ट ये है कि कैमरा एप्लीकेशन में जैसे कि टेलीफोटो लेंस इसने दिया हुआ है 8 मेगापिक्सल का, बट पोर्ट्रेट मोड्स में ये टेलीफोटो लेंस यूज़ करता नहीं है। ठीक है, तो ये अपना मेन सेंसर जो है उसी को यूज़ करता है। तो अगर टेलीफोटो लेंस अगर ये यूज़ करता है तो काफ़ी शानदार फ़ोटो आपको पोर्ट्रेट मोड में मिल सकते थे। ओके, तो सबसे शानदार है हमारे चार्जर भैया, ये है 15 वाट का चार्जर जो कि डब्बे में निकलता है। 25 वाट का चार्जर सैमसंग देता नहीं है। ठीक है, अगर आपको उसको परचेस करना है तो आपको 1300 रुपये के आसपास एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, और हाँ, वो भी USB A टू टाइप सी केबल नहीं मिलता है उसमें, USB C टू USB C केबल है, तो आपको केबल भी परचेस करना पड़ेगा। तो बहुत अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है सैमसंग की अपने लोगों को परेशान करने के लिए। ठीक, तो दूसरा आप जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये जो ग्रीन कलर में है वो चार्जिंग स्पीड दिखा रहा है, मतलब चार्जिंग वाला ग्राफ दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो तो ऑलमोस्ट 1.5 घंटा के आसपास अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 1.5 घंटा आपको दिखाई देगा इसमें। तो मैंने 10% से 100% चार्ज होने में लगभग 1.5 घंटे के आसपास इस मोबाइल को लग जाता है। तो सबसे अच्छा रूटीन आपका यही है कि आप सुबह को उठो तो इस मोबाइल को लगा दो चार्जिंग पे और 1.5 घंटा 2 घंटा चार्ज होने दो। अगर आप इसको ऐसा करते हो कि भाई अगर आप सिर्फ आधा चार्ज करके ले जाते हो अपना मोबाइल कहीं पे, तो आपको दिन में बिल्कुल ज़रूरत पड़ने वाली है, और ये भाई साहब बहुत जल्दी चार्ज करने वाले हैं नहीं। तो मैं आपको सिर्फ यही सलाह दूंगा कि आप हमेशा 100% चार्ज करके ही अपना मोबाइल को अपने किसी डेली रूटीन पे आप जाओ। ठीक है, नेक्स्ट है कि इस मोबाइल की ही बात नहीं है, वन UI में सभी में इतना कस्टमाइजेबल रिच प्लेटफॉर्म है वन UI, बट स्टिल सैमसंग ने ऐप लॉक ऐप ऐड नहीं किया है अपने यूज़र इंटरफेस में। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, तो इतने सारी कंपनियां आपको ऐप लॉकर देती हैं तो आपको इसमें भी ऐप लॉकर देना चाहिए, क्योंकि आप फिर थर्ड पार्टी ऐप लॉकर यूज़ करोगे जिसमें एड्स भी आएंगे और वो ग्लिचेस भी रहते हैं, हमेशा अच्छे से काम नहीं करता है। ठीक, तो उसमें इनबिल्ट ऐप लॉकर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है सैमसंग के फ़ोन्स में, तो ये मेरे को एक कमी काफ़ी बड़ी लगी इस मोबाइल के लिए। तो कलर कैलिब्रेशन इस मोबाइल में मींस मेरे को वाइब्रेंट स्क्रीन नहीं लगती अगर मैं किसी फ्लैगशिप ग्रेड के मोबाइल से कंपेयर करता हूँ। बाकी इसको एट अ टाइम अगर आप सिर्फ इसी को यूज़ कर रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। हाँ, थोड़ा ब्राइटनेस आपको लो लग सकता है। दूसरा, इसमें कलर कैलिब्रेशन के ऑप्शंस काफ़ी कम है, सिर्फ 2 ही ऑप्शन दिए हुए, नेचुरल और विविड। ओके, तो आपके हाथ में भी ज़्यादा कुछ है नहीं जिससे कि आप अपना डिस्प्ले कुछ क्रिस्प या अच्छा कर सको देखने के लिए अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, काफ़ी अच्छी बात है कि इसके स्टीरियो स्पीकर हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, आपको एक अच्छा म्यूज़िक एक्सपीरियंस मिल जाएगा इसमें, और दोनों स्पीकर बैलेंस्ड हैं, 40-60% का रेशो आपको मिलेगा, अभी मैं दिखा देता हूँ इसमें। और दूसरा, इसमें ये है कि आपको बेस भी मिल जाएगा और लाउड भी मिल जाएगा स्पीकर। तो आप सैंपल देख पा रहे हो, ओके, तो कुछ इस तरह का वीडियो था। आई नो कि बहुत लंबा हो गया है, अगर आपने 4 मंथ का रिव्यू नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, और S20 Fe का पूरा एक प्लेलिस्ट भी मैंने बना रखा है अभी तक का, जब से मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो, उस बेस पे आप कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि आपका जो अमेज़ोन का है वो आज ही का ऑफ़र है। अगर आपको लेना है तो आप आज ही ले लीजिए, 35,500 में मिल जाएगा आपको आज भी। ठीक है, तो आपको थोड़ा 1500 रुपये का नुकसान रहेगा क्योंकि अभी तक 34,000 में मिल रहा था। ठीक, तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल। टिल देन थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।